गाड़ी तुम्हारा है ना जी? हाँ। चाबी चाबी है तुम्हारे पास? नहीं है। अरे चाबी इसके पास कैसे? चाबी मेरे पास है, मेरा गाड़ी है तो। जय नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है न्यूज हार्ट HAAT हार्ट, अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जनता जी बच के नहीं बचिएगा तो क्या होगा आपको भी पता है। अभी हम गांधी मैदान से आपको लेकर के हम चलेंगे पोस्टल पार्क के एक छोटे से गली में। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो को आर्टिस्ट हैं अपना स्कूटी स्टार्ट करेंगे, बार बार करेंगे, नहीं होगा किसी को कहेंगे भैया जरा सा धक्का लगा दो मेरा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। जो सहयोग करने आएंगे धक्का लगाने, और जैसे ही वो धक्का लगाना शुरू करेंगे स्कूटी की मलकिनी जो हमारी उर्मिला जी हैं कहेंगे रुको कहाँ मेरा गाड़ी लेकर के जा रहे हो, और उधर जो हमारे को आर्टिस्ट जो धक्का लगवा रहे हैं जैसे घटना हो जाएंगे 9-2-11। इस बीच क्या समीकरण होगा, क्या क्या महाभारत होगा, दिखाने के लिए आइए हम आपको लेकर के चलते हैं उस लोकेशन पर। प्लीज कम। एक मिनट क्यों धक्का दे रहे हैं, क्यों गाड़ी धक्का दे रहे हैं? बोले कौन है वो, कहाँ गाड़ी ले जा रहे थे? वो बोलेंगे तो किसका गाड़ी, आपको चाबी गाड़ी ले जाना है कहीं? हमको नहीं बता दिया कौन था वो। गाड़ी चाबी मेरा है, चाबी मेरे पास है। अरे क्या हुआ, एक मिनट करके भाग रहा था। नहीं भैया हम जानते हैं अंकल, हम नहीं जानते। एक लड़का कौन लड़का पता नहीं कौन था, हम अभी जा रहे थे फोटो कॉपी कराने, बोला ना कि भाई देखो तो गाड़ी नहीं चली, बड़ा ये हमको बोला कि मम्मी एक मिनट खड़े भैया हम नहीं, एक मिनट बगल आ जाओ, बगल आ जाओ लड़का। ये तुम बताओ ये गाड़ी तुम्हारा नहीं ना था? अरे तो हमको नहीं ना पता भैया, अंकल हमको नहीं ना मालूम था। अरे तो नहीं, हम अभी जा रहे थे दूसरा जगह जा रहे थे अंकल। एक मिनट बाबू बाबू एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं? जगह जा रहे थे फोटो कॉपी कराने, तो वो अभी कौन हमको नहीं पता, वो भैया से पूछ लीजिए। हमको बोले कि बाबू देखो ना नहीं ऑटो धकेलने बोला, उसको तुम चीन रहा है ना? नहीं चीन रहे तो मम्मी को हम नहीं चीन रहे, हम अभी गली में रहते हैं, हम अभी आ रहे थे भैया। तो अनजान आदमी का गाड़ी तुम कहे दूसरे के कहने पर, गाड़ी तुम्हारा है ना जी? नहीं हाँ। चाबी चाबी है तुम्हारे पास? नहीं है। अरे चाबी इसके पास कैसे, चाबी मेरे पास है, मेरा गाड़ी है तो। अब नहीं जानते, तो नहीं जानते तो अनजान आदमी का गाड़ी कैसे तुम ले जाओ? हमको लगा उनका है अंकल, इसीलिए हमको मतलब हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, ये सब नहीं करते। किस स्कूल में पढ़ते हो? नहीं काम करते हैं। ये गाड़ी तुम्हारा नहीं है? नहीं मम्मी के तो, कहते हम नहीं कर रहे। तो मम्मी कसम खाओ चाहे पापा, जिस आदमी को नहीं जानते हो कहा तुम वो तो चोर भाग गया, अभी तो पुलिस आएगा तो तुम ही को ले जाएगा ना? कागज है ना जी गाड़ी का? मामा का नाम वकील साहब है, वकील साहब हम सब काम नहीं करते अंकल, हमको पता नहीं। अरे कोई लड़का बैठा हुआ था आई पीछे, पता नहीं अंकल वो लड़का कल अभी। अरे तो गलत है ना, तुम जानते हो जिसको? हाँ तो धारे हैं अंकल। अच्छा तुम ही पकड़े हो ना? अब ये दोनों नहीं रहता तुम तो भाग जाते दोनों, कहाँ गए तुम्हारे साथ जो लड़का कौन है? पता नहीं कौन था। अरे तुमको पता नहीं है दूसरा की गाड़ी धकेल रहे हो तुम? अंकल हमको पता नहीं था अंकल। क्या करोगे तुम, आप बैठी हुई हो तुम? अंकल हम अभी आ रहे, क्या करना है इसको छोड़ दे, थाने के पास अपने भैया का काम करवाने के लिए जा रहे। ऐसा मत करना, चलो जी जाओ 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 जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हो गया चलो आ जाओ। देखो ठीक है, जब अगर किसी आदमी को नहीं जानते हो तो उसका गाड़ी नहीं धकेलना चाहिए, समझे ना? समझ गए कहाँ मतलब है, इस तरह का सबक सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर जिस आदमी को आप नहीं जानते हैं, अनजान आदमी है, तो उसके गाड़ी को छूछा नहीं करें। इस तरह का अक्सर होता है, कोई किसी का मदद लेकर के दूसरे का गाड़ी लेकर के भाग जाता है। तो जो कुछ समझ में आया, जो कुछ दिखा, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरह की घटना हर जगहों पर हो रहा है। सावधान रहे, होशियार रहे, नहीं तो आपको भी लेनी की देनी पड़ सकते हैं। जी हाँ, देखते रहे न्यूज हार्ट पर हमारे ये कार्यक्रम जिसका नाम है जनता जी बच के नहीं बचिएगा तो यही हाल होगा।